हेलो दोस्तों, आई एम लकी मैन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज के लिए आपको बताने वाला यहाँ पे जो पबजी मोबाइल का 1.1 का अपडेट आने वाला है, तो आखिरकार आपको जो कौन से अब जो न्यू फीचर्स हैं वो देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास हमारा जो सीजन 16 का रॉयल पास है तो उसमें भी यहाँ पे काफी बड़ा चेंजेस है, काफी अच्छे अच्छे चेंजेस किए गए हैं जो कि आपको मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ओके ना, वीडियो शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो कि ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे, आपको कुछ भी हेल्पफुल लगे, कुछ भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके यहाँ पे जरूर जाया करो। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारे पास PUBG मोबाइल के 1.1 का अपडेट है तो उसके जो पैच नोट्स हैं वो ऑफिशियली यहाँ पे रिलीज हो चुके हैं। तो पैच नोट्स में आपको सिर्फ मैं यहाँ पे मेजर चीजें बताऊंगा जो कि आने वाली हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है हमारे पास जो अपडेट है वो आपको कल ही देखने को मिल जाएगा, सुबह से जो अपडेट है वो रिलीज हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको इसको अपडेट कैसे करना है तो इसको हम यहाँ पे कल की वीडियो में देखेंगे, और मे भी हो सकता है कि यहाँ पे जो PUBG कॉर्पोरेशन है तो वो यहाँ पे हमें कुछ ऑफिशियल रिस्पॉन्स दे दे इंडिया के बैन को लेकर कल ही। तो देखेंगे यहाँ पे कल अगर कुछ आता है नया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आप इस वर्जन को अपडेट करते हो, चाहे KR वर्जन में करो या फिर हमारे पास जो ग्लोबल वर्जन है, तो अगर आप इसको अपडेट करते हो यहाँ पे ग्लोबल वर्जन में 10 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक, तो आपको यहाँ पे कुछ रिवॉर्ड्स मिल जाएंगे, कुछ BP है, फिर AG है, और यहाँ पे एक लिमिटेड टाइम बैकपैक है। लेकिन अगर आप KR वर्जन में इसे अपडेट करते हो तो आपको यहाँ पे जो प्रीमियम कूपन है तो मेरे ख्याल से एक आधा या फिर दो प्रीमियम कूपन है वो देखने को मिलेंगे। उसका दोस्तों यहाँ पे बाकी के पैच नोट से पहले आप यहाँ पे कुछ स्किन्स देख सकते हो जो कि आपको इस बार हमारा जो 1.1 का अपडेट आ रहा है तो उसके आपको यहाँ पे हो सकता है प्रीमियम क्रेट्स में देखने को मिले या फिर कुछ लकी ड्रॉस में देखने को मिले। लेकिन यहाँ पे कुछ जो नई स्किन्स और जो पुरानी स्किन्स है वो इस बार आने वाली है, और ये सब स्किन्स आपको 1.1 के अपडेट में देखने को मिलने वाली है। तो मुझे यहाँ तक सिर्फ एक ही स्किन का यहाँ पे नेम याद है जो कि यहाँ रोबो सेंट है। तो देख सकते हो कॉर्नर में आपको जो स्किन दिख रही है वो रोबो सेंट है, तो ये भी आपको काफी जल्दी देखने को मिलने वाला है। इसका दोस्तों यहाँ पे जो पैच नोट की तरफ बढ़े तो आपको मैं सिर्फ एक सबसे पहले यहाँ पे जो हमारे मेजर चीज और जो मुझे भी काफी अच्छी लगी है रॉयल पास के बारे में तो वो आपको सबसे पहले मैं बताता हूँ। तो ये देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास जो सीजन 16 का यहाँ पे जो रॉयल पास है वो हमारा होने वाला है मेट्रो थीम्ड रॉयल पास है, और यहाँ पे आपको जो RP1 पे देखने को मिलने वाला है वो आपको मिलेगी इस बार यहाँ पे चॉइस। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे जो एक पावर रेंजर्स वाला हमारा जो सीजन था RP आपको 50 पे यहाँ पे चॉइस मिली थी, तो वैसे ही आपको इस बार भी यहाँ पे हमारा जो सीजन होने वाला है आपको यहाँ पे दो आउटफिट्स में चॉइस मिलेगी लेवल 1 पे। तो दोस्तों यहाँ पे जो फर्स्ट आउटफिट होने वाला है वो होने वाला RTOM, तो इसके बारे में आपको मैं ऑलरेडी यहाँ पे दिखा दिया था। बाकी अब जो सेकंड आउटफिट है वो एना, तो ये वाला जो आउटफिट अब तक लीक नहीं हुआ है, लेकिन दोनों के दोनों यहाँ पे जो आउटफिट्स है ये मेट्रो यहाँ पे जो एक्सेडस गेम है तो उसके करेक्टर है, तो कुछ ऐसे ही जो आपको आउटफिट्स है RP1 पे आपको चॉइस मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे आता है जो हमारा RP100 है, तो उस पर आपको यहाँ पे जो नाइट टेरर सेट है ये देखने को मिलने वाला है, तो इसकी भी आप इमेज ऑलरेडी देख चुके होंगे। बाकी यहाँ पे जो सीजन यहाँ पे 16 के यहाँ पे 1-200 रिवॉर्ड्स है तो वो कल आने वाले हैं, तो अगर आप वो सब देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, तो काफी जल्दी कल वो आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे और जो हमारे कुछ चेंजेस हैं आप देख सकते हो यहाँ पे न्यू मेट्रो यहाँ पे इवेंट्स हैं, तो आरपी आपको एक्सक्लूसिव एक टैब देखने को मिलेगी जो कि आपको सिर्फ इसी आरपी में देखने को मिल रही है, और आपको यहाँ पे कुछ जो मेट्रो बैंडेजेस हैं आपको वो कलेक्ट करने हैं, और उसके बाद अपनी जो मेट्रो यहाँ पे सप्लाई क्रेट है इसको रिडीम करके आप यहाँ पे हमारे आपको जो एक और आउटफिट बताया था जो मिलर आउटफिट ए था और जो मिलर आउटफिट बी था तो आप उसको यहाँ पे रिडीम कर सकते हो। और बाकी यहाँ पे कुछ ग्रैंड रिवॉर्ड्स भी हैं जो कि हमें अभी पता नहीं है, तो कल हमें जब अपडेट आएगा तो उसके बाद आपको मैं बताऊंगा ये कौन कौन से आउटफिट्स हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे हमारा एक ग्रुप इवेंट भी आने वाला है जो कि इस बार आरपी में आपको देखने को मिल रहा है, तो आपको यहाँ पे अपना आरपी परचेज करने के बाद यहाँ पे एक ग्रुप को ज्वाइन करना है और फिर हमें यहाँ पे कुछ एक फ्री रिवॉर्ड मिल सकता है और बाकी यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और जो मेजर चेंज आ रहा है हमारे आरपी सब्सक्रिप्शन में, और ये काफी अच्छा चेंज हो सकता है, तो अगर आपके पास यहाँ पे AG करेंसी है आपने जब भी यहाँ पे कलेक्ट किया जितनी भी कलेक्ट किया तो इस अपडेट के बाद अगर आप यहाँ पे जो हमारा सीजन 16 का यहाँ पे जो आरपी सब्सक्रिप्शन बाय करते हो तो उसके बाद अपने यहाँ पे जो आपके AG करेंसी है तो आप उसको अपने जो आरपी पॉइंट्स होते हैं तो उनमें कन्वर्ट कर सकते हो। ये काफी अच्छा चेंज है जो कि आ रहा है इस बार। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आप एक और चीज देख सकते हो, यहाँ पे अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे आरपी सब्सक्रिप्शन बाय करते हो तो आपको यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा आरपी पॉइंट्स है फर्स्ट टाइम बाय करने में मिल सकते हैं, और नीचे बाकी ये ट्यूटोरियल कुछ चेंजेस किए गए। तो दोस्तों ये हमारा सीजन 16 का रॉयल पास। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक और फीचर के बारे में आपको बताता हूं जो कि मेरे ख्याल से आपको अच्छा नहीं लगने वाला, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सर्वर सिलेक्शन यहाँ पे फीचर है, तो इस फीचर में आप देख सकते हो आपको यहाँ पे कुछ लैग को कम करने के लिए और कुछ अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए इन्होंने अपने यहाँ पे जो सर्वर्स हैं सीजन 16 में आप जोन सा भी सर्वर आपको सिलेक्ट करना है तो वो आपको डे 1 पे ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ पे पूरे 60 डेज के लिए आपका जो सर्वर होगा तो उस पर लॉक लग जाएगा। तो सपोज करो आपने जो सर्वर अपना वो एशिया सिलेक्ट किया, लेकिन अगर यहाँ पे अपना जो आप अपना सर्वर चेंज करना चाहते हो तो आप वैसा नहीं कर पाओगे इस अपडेट के बाद, क्योंकि उस पर लॉक लगने वाला है और वो यहाँ पे लॉक जो होगा वो 60 डेज बाद ही हटेगा। तो सपोज करो कि आपको यहाँ पे अपने मिशन कंप्लीट करने किसी और सर्वर में तो इस अपडेट के बाद वो ऐसा कर नहीं पाओगे, तो ये काफी बेकार चीज है जो कि मेरे ख्याल से इंप्लीमेंट की गई है।
इसके बाद यहाँ पे आप सबसे ऊपर चले तो आप देख सकते हो जो सबसे पहला हमारे पास इस अपडेट का जो मेजर थिंग है वो हमारा एक न्यू मोड मेट्रो रॉयल का गेम मोड है। तो ये आपको एक जो नया मोड आपको इसमें काफी सारी जो गन्स हैं उसके बाद मॉन्स्टर्स हैं आपको जो तीन मैप्स देखने को मिल रहे हैं तो एक एक मैप पे आपको दो दो मॉन्स्टर देखने को मिलेंगे और फिर हमारे पास गन्स नाइट विजन और बाकी यहाँ पे लेवल 6 के हमारे जो हेलमेट है वेस्ट है बैकपैक है तो कुछ काफी आपको जो हाई लेवल वाले इक्विपमेंट्स होते हैं वो देखने को मिलने वाले हैं। बाकी इस मोड के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपको इस मोड को कैसे खेलना है। तो जो मेट्रो रॉयल का गेम मोड है वो आपको अपडेट के साथ ही देखने को मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहां पे जो नेक्स्ट चीज आएगी हमारी इस अपडेट में वो होने वाले फिर से कुछ न्यू मोड्स। तो यहाँ पे एक और हमारा मेट्रो थीम्ड मोड है जो कि आपको एरेंगल मैप पे देखने को मिलेगा। तो इसमें भी आपको यहाँ पे कुछ मॉन्स्टर्स हैं और अपनी जो ट्रेन से आप जो टेलीपोर्टेशन कर सकते हो अपने एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो और बाकी और भी कुछ आपको देखने को मिल रहा है इस मोड में। तो देख सकते हो यहाँ पे जो मोड है यहाँ पे नवंबर में लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे जो मोड है ये 17 नवंबर को लॉक हो जाएगा जिस दिन हमारा जो न्यू रॉयल पास है वो आ रहा है। तो उसी दिन आपको यहाँ पे जो मेट्रो थीम्ड गेम मोड है ये वाला मोड भी देखने को मिल जाएगा। फिर हमारे पास यहाँ पे एक नेक्स्ट मोड है विंटर फेस्टिवल मोड है तो इसमें आपको यहाँ पे एक हट देखने को मिलती है हमारे पास कुछ क्रिसमस ट्री है और एक अलग ही टाइप के आपको जो स्काई में क्लाउड्स देखने को मिल रहे हैं। बाकी आपको जो क्रिसमस डेकोरेशन भी कुछ मैप पे देखने को मिल जाती है और जो हमारा कैसल है ग्लेशियर्स है तो कुछ वैसी चीजें भी आपको इस मोड में देखने को मिल रही है। तो ये वाला जो मोड है यहाँ पे दिसंबर में अनलॉक होगा और इस मोड की एक रिलेटेड अचीवमेंट है यहाँ जो बीटा वर्जन में ऐड की गई थी। तो अचीवमेंट में यहाँ पे जो डेट थी वो यहाँ पे 10 दिसंबर थी तो 10 दिसंबर से आपका ये वाला जो मोड है या फिर जो 9 दिसंबर का जो मोड है ये वाला भी आ जाएगा एरेंगल मैप में। तो ये यहाँ पे हो गए कुछ मोड्स। उसका दोस्तों यहाँ पे जो हमारे कुछ मोड्स हैं जो पहले से चल रहे हैं तो वो जाने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा इन्फेक्शन मोड है और फिर यहाँ पे जो रेज गियर मोड है तो वो यहाँ पे चला जाएगा और मेरे ख्याल से काफी जल्दी फिर से वापस आएगा क्योंकि इन्होंने यहाँ पे लिखा है चेक फर्दर नोटिस फॉर अ न्यू रिलीज डेट ऑफ दिस मोड्स। तो मेरे ख्याल से इनका ये प्लान नहीं है कि जो मोड को परमानेंटली रिमूव कर दें, फ्यूचर में या फिर कभी ना कभी यहाँ पे फिर इस जो मोड्स हैं इनको लेके आने वाले हैं। और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो हमारा पेलो 2.0 मोड था जो कि मेरे ख्याल से काफी लोगों का फेवरेट भी था तो वो वाला जो मोड है वो 24/7 से लेकर यहाँ पे आपको 3 दिन ही देखने को मिलेगा। तो सैटरडे यहाँ पे फ्राइडे सैटरडे संडे आपको 3 दिन जो मोड है वो सुबह 5:30 बजे अनलॉक होगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट दोस्तों यहाँ जो मेजर चीज है आपको डेट में देखने को मिल रही है वो हमारा थ्रोएबल मिली वेपन्स है तो पैन सिकल हमारे पास मैशेटी और उसके बाद यहाँ पे एक और जो वेपन आता है तो उसको भी यहाँ पे इस अपडेट के बाद आप थ्रो कर सकते हो अपने एनिमी को उससे भी डैमेज कर सकते हो थ्रो करके भी। और फिर यहाँ पे एक जो स्पाइक ट्रैप है तो ये भी काफी अच्छा चेंज है आ रहा है तो ब्रिज कैंपिंग में आपको मदद कर सकता है जो स्पाइक ट्रैप है एनिमी को रोकने के लिए। इसका भी आपको मैं गेम प्ले ऑलरेडी दिखा चुका हूँ दोनों का। और फिर यहाँ पे जो मिनी मैप मार्क्स है टैक्टिकल मार्किंग सिस्टम है आप अपने मैप पे मार्क कर सकते हो अपनी यहाँ पे स्ट्रैटेजी पूरी बना सकते हो कि आपको यहाँ पे कहाँ कहाँ जाना है अपने पूरी गेम में। उसका दोस्तों यहाँ पे एक और काफी अच्छा फीचर आ रहा है इस अपडेट में जो कि यहाँ पे कंट्रोल सेटिंग शेयरिंग है तो इसके लिए आपको जैसे ही आपने जो अपने कंट्रोल्स हैं अगर आप उसको कॉपी करवाना चाहते हो अपने फ्रेंड को तो आप उसको विद इन ए सेकंड यहाँ पे अपना जो कंट्रोल्स को कॉपी कर सकते हो। तो इसके लिए आपको करना ही होगा कि आपको अपनी कंट्रोल्स वाली टैब में जाना होगा और फिर आपको यहाँ पे एक लिंक है जनरेट करना पड़ेगा। तो जैसे अगर आपका फ्रेंड उस लिंक को ओपन करता है तो उसकी गेम में वो जो कंट्रोल्स हैं वो कॉपी होने वाले हैं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो फीचर है ये वर्क करने वाला है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्विक थ्रो फीचर है जो कि हमारा थ्रोएबल्स का जो एक फीचर था वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। आपको जैसे ही टैप करते हो अपने थ्रोएबल्स पे तो आपको यहाँ पे 3 वो देखने को मिलते हैं एक मॉल्टोव का एक ग्रेनेड का और एक स्टन ग्रेनेड का। तो आप जैसे ही यहाँ पे स्वाइप करते हो तो वैसे ही अपना जो यहाँ पे स्टन ग्रेनेड हो गया या फिर जो भी हमारा थ्रोएबल हो गया तो वो यहाँ पे चला जाता है अपना थ्रो हो जाता है। और फिर यहाँ पे दोस्तों अब कुछ यहाँ पे बग फिक्स भी गए हैं कि जो बगी है हमारी वो थोड़ी अच्छी बनाई गई उसकी जो ड्राइविंग अच्छी हो गई है तो आपकी जो बगी है यहाँ पे वो स्लिप नहीं करेगी अपने जो ग्राउंड पे आप बिना टायर फोड़े भी उसे चला सकते हो और इसको तो मैंने यहाँ खुद भी एक्सपीरियंस किया ये बग तो यहाँ पे हाल में फिक्स हो भी गया। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास कुछ और बग्स हैं आप चाहो तो इसको रीड कर सकते हो कुछ ज़्यादा बड़े मेजर बग्स नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे थ्रोएबल इंप्रूवमेंट्स हैं तो हमारे जो थ्रोएबल्स हैं ग्रेनेड हो गया मॉल्टेव हो गया फिर हमारा स्टन ग्रेनेड हो गया तो उनके यहाँ पे चेंजेस किए गए उनके जो एनिमेशन हैं वो तो थोड़े बहुत चेंज किए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे जो फ्रैग ग्रेनेड है तो उसका जो डैमेज है वो 20% रिड्यूस किया गया। फिर हमारे पास यहाँ पे आता है जो स्टन ग्रेनेड है तो वो यहाँ पे ग्राउंड से यहाँ पे टच करने से पहले यहाँ पे 0.7 सेकंड पहले यहाँ पे फट जाएगा। और फिर हमारे पास लास्ट में थर्ड चेंज आ रहा है यहाँ स्मोक ग्रेनेड का तो स्मोक ग्रेनेड का यहाँ पे जैसे आप उसको ग्राउंड पे फेंकोगे तो 1 सेकंड के बाद वो जो स्मोक है वो उससे निकलना स्टार्ट होगा। और उसके बाद लास्ट में जो हमारा थ्रोएबल है मॉल्टोव तो उसमें यहाँ पे चेंज किया गया है उसके यहाँ पे जो रेडियस है वो बढ़ा दिया गया जो उसका डैमेज था तो देख सकते हो 20% और जो इंक्रीज कर दिया गया जो मॉल्टोव की रेंज है और उसके साथ साथ यहाँ पे जो मॉल्टोव का डैमेज है तो वो भी बढ़ा दिया गया। पहले जितना डैमेज होता था उससे यहाँ पे 10% और डैमेज होगा तो ये देख सकते हो। और फिर हमारे पास यहाँ पे कुछ और बग्स हैं जो कि कॉम्बैक्ट यहाँ पे इंफॉर्मेशन इंप्रूवमेंट्स हैं तो ये भी कुछ मेजर नहीं है। और फिर यहाँ पे लास्ट में आता है हमारे पास जो हमारी सेटिंग के कुछ इंप्रूवमेंट्स हैं और फिर हमारे पास यहाँ पे आता है कुछ और चेंजेस। और फिर उसके बाद यहाँ पे एक और फीचर है जो कि आपने व्हीकल होता है तो व्हीकल के आपके जो कंट्रोल्स होते हैं तो उनको भी आप अरेंज कर सकते हो उनकी यहाँ पे अपना जो उसका स्विच कर सकते हो आपको कहाँ पे रखना है जो बटन्स हैं तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। बाकी उनकी ट्रांसपेरेंसी भी आप 0 कर सकते हो तो ये एक और फीचर आया है।
इसका दोस्तों यहाँ पे एक और फीचर लास्ट में हमारा जो आता है, यहाँ पे अगर आप गेस्ट अकाउंट यूज कर रहे हो तो गेस्ट अकाउंट में कुछ फीचर्स है वो बंद कर देंगे, आपकी जो रैंक है वो यहाँ पे गोल्ड 5 से ऊपर जाएगी नहीं, ना ही आपका लीडर बोर्ड पे आपका अपना जो अकाउंट है वो दिखेगा। और यहाँ पे कुछ हमारे जो गेम मोड्स हैं, चीयर पार्क है, वो भी आपके लिए बंद कर दिया गया। तो ये कुछ यहाँ पे चेंजेस हैं जो कि इस अपडेट में होने वाले हैं। बाकी नीचे भी कुछ बग फिक्सेस हैं, आप चाहो तो अपना खुद जाके उसको रीड कर सकते हो। और ये जो अचीवमेंट्स है आपको मैं उसके बारे में ऑलरेडी बता दिया है। तो यही कुछ यहाँ फीचर्स है गिने चुने आने वाले हैं। बाकी आप बता सकते हो कमेंट्स के मुझे आपका जो अपडेट है वो कैसा लगा है। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में सीजन 16 के यहाँ पे जो 1 to 100 यहाँ पे रॉयल पास के रिवॉर्ड के साथ ही। तो वीडियो में कुछ पसंद आया वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। और अगर आपको कुछ यहाँ पे पूछना, कुछ कंफ्यूजन इस पैच को लेके, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।